हेलो एवरीवन गाइस, इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज सेंट्रल मेटल एटम पढ़ेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, अगर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन, क्या आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और इसके कुछ एग्जांपल्स हम इस स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और आयन का रोल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज क्या, द स्पीसीज, ये एटम भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। अब ये क्या, अभी आयन देखो, अगर किसी स्पीसीज पे चार्ज है तो वो आयन होती है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, अगर न्यूट्रल है तो हम कहेंगे वो एटम है, सिंपल। ओके, इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये वो स्पीसीज होता है सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, टू विच जिससे लिगेंड्स आर अटैच्ड, जिससे लिगेंड्स जुड़े होते हैं बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है, ये हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चैनल पे प्लेलिस्ट है और लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। सिंपल, तो ये होगी डेफिनेशन, द स्पीसीज एटम और आयन इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू विच लिगेंड्स आर अटैच्ड बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। लिगेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, क्या भाई, इट एक्ट्स एज लेविस एसिड, ये लेविस एसिड की तरह वर्क करता है। उससे पहले देख लो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा दिखता है, ऐसा, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर ये वाली जो स्पीसीज है ये है सेंट्रल मेटल एटम और आयन। अब आप समझ लो कि एटम का मतलब क्या है, आयन का मतलब क्या है, चार्ज वाली स्पीसीज आयन है, न्यूट्रल एटम है, तो मैं अभी इसको यूज कर रहा हूं सेंट्रल मेटल एटम सिंपली। ठीक है, और ये होते हैं लिगेंड। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, एक ये ब्रैकेट के अंदर वाला, एक ब्रैकेट के बाहर वाला। ब्रैकेट के अंदर वाले को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाहर वाले को कहते हैं काउंटर आयन। ठीक है, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ये वाली स्पीसीज जिससे लिगेंड्स जुड़े होते हैं या लिगेंड जुड़ते हैं वाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम कहलाता है। ठीक है, यहां पे जैसे AU गोल्ड क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, ब्रैकेट में बंद, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, दिस इज द इंडिकेशन फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो ये लेविस एसिड होता है। अब लेविस एसिड क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ठीक है, हम कहेंगे वो क्या है, लेविस एसिड। ओके, इट हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, अब लो डी ऑर्बिटल इसके खाली है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अब डी ऑर्बिटल खाली है, ये कहां यूज होते हैं, ये जो लिगेंड होते हैं इनके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। जब एक स्पीसीज ही दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हुए एक बॉन्ड बनाती है, उसे ही तो कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में सेंट्रल मेटल एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, हैव कोऑर्डिनेशन नंबर, अब सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कि एक सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड से जुड़ा हुआ है, जो उसके साथ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बना रहे,
इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या भाई, दोबारा समझो, कंफ्यूज हो गए। एक सेंट्रल मेटल एटम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक सेंट्रल मेटल एटम कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, यानी मैं मान लो सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, मैंने 1, 2, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3। मैं सेंट्रल मेटल एटम हूं, ठीक है, मैंने 4, 1, 2, 3, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4। मैंने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, बाप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। ठीक है, डन। पूछ लेते हैं आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट, शोज ऑक्सीडेशन स्टेट और प्राइमरी वैलेंसी शो करता है। अब ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है, और अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उसमें इसी ऑक्सीजन स्टेट को हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। सो सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिपेंड्स ऑन दिस, सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड करती है, यानी कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही वो स्पीसीज होती है जिस पे कलर डिपेंड करता है, जिस पे ये डिपेंड करता है कि ये मटेरियल, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा शो करता है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स के टाइप, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये बताता है। किससे पता चलता है हमें इसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, सेंट्रल मेटल एटम से। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कौन बताता है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। आइए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज देखने के बाद ये है एग्जांपल्स कि एक सेंट्रल मेटल एटम आप एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे पहचानेंगे, ठीक है। 7 एग्जांपल है, बताओ इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन है, ये एक ही होता है, ठीक है, ओके। इसमें कौन है, प्लेटिनम, ये वाला कैसे पहचानोगे। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आपको ब्रैकेट के अंदर दिया जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में जो मेटालिक स्पीसीज है ना, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है वो है कौन, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन आता है, क्या, देखो जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, बट एक एक्सेप्शन है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ध्यान रखना ये एक्सेप्शन है इसका, क्यों, क्योंकि जो मैग्नीशियम है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट से बनाते हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो पहचान लो कौन कौन डी ब्लॉक का एलिमेंट, इसमें ये वाला, ठीक है, इसमें ये वाला, और ये वाला भी, ये क्या एक साथ दो दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बिल्कुल। ये वाला कैटायनिक पार्ट हो जाता है, आगे वाला पीछे वाला होता है एनायनिक पार्ट, सुनना ध्यान से दोबारा, जो आगे हम जनरली जो भी स्पीसीज लिखते हैं उसके ऊपर जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, पीछे वाले स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपका ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर, या ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें दो, एक से अधिक सेंट्रल मेटल एटम है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, ओके। नाउ अगेन दिस इज व्हाट, सेंट्रल एटम, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, ओके। अगली बात, अब सेंट्रल मेटल एटम न्यूट्रल है या चार्ज्ड है, यानी कि आयनिक फॉर्म में है, ये कैसा पता, कैसे पता करें, ये हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के पता करते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कार्बोनिल CO, दिस इज नॉट कोबाल्ट, दिस इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल कहते हैं आपा जब ये ली गेंड की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब निकल कार्बोनिल का ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना होता है, 0। तो यहां पे निकल एज ए एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 3, देखो चार्ज कॉम्प्लेक्स है ये,
यहाँ पे क्रोमियम आयन की फॉर्म में, इसलिए बार बार बोल रहे हैं एटम का मतलब क्या है, आयन का मतलब क्या, हो गया क्लियर? ठीक है, यहाँ पे प्लेटिनम पे कितना है प्लस टू चार्ज है भाई, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे भी प्लेटिनम आयन के रूप में कैलकुलेट कर सकते हो आप, क्योंकि ओवरऑल न्यूट्रल होता है ये, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि नेमिंग के टाइम पे आपको आईयूपीएसी नेमिंग के अकॉर्डिंग रोमन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है सेंट्रल एटम का। ठीक है, हो गया, तो ये थे आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम की डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज। इसके अलावा एक दो बातें और देख लो भाई, जो ये आपका सेंटर वाला एटम है यही क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लिगेंड के साथ। जो लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है ये डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, बट आयनिक बॉन्ड इज नॉट डायरेक्शनल इन नेचर। अब ये क्या कंसेप्ट है, अगर कोई बॉन्ड डायरेक्शन रखता है इसका मतलब वो उस कंपाउंड को शेप प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसे हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। अब किसी भी इसका क्या मतलब है, जो शेप होगी ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वो सेंटर मतलब एटम पे तो डिपेंड कर रही है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ज्योमेट्री शेप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सेंटर मेटल एटम पे डिपेंड करेगी, एक्चुअली डिपेंड कर रही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, बना कौन रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पे, पर बना कौन रहा है सेंटर मेटल एटम, ध्यान रखना। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऑल्दो लिगेंड्स का पूरा रोल होता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, इनका सेंट्रल मेटल एटम से पूरा लिंक है। तो सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ जब हम लिगेंड्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी एक पूरा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है ये हमें कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेट्स में, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है, एज ए क्वेश्चन के रूप में देखा जाता है, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल में ज्योमेट्री जैसे स्केयर प्लैनर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ये जो शेप्स ज्योमेट्रीज बनती है ना कंपाउंड्स की, ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ ही बनती है। ठीक है, तो ये था भाई सेंटर मेटल एटम का कंसेप्ट। अब भी कोई क्वेरी हो आपकी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको क्या लिखना है, अगर आ जाए डिफाइन व्हाट इज सेंटर मेटल एटम या व्हाट इज सेंटर मेटल एटम, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक दो पॉइंट्स लिख देना, एक दो एग्जांपल देके बता देना कि इस कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दे दिया आपने, तो बताओ सीआर इज सेंटर मेटल एटम क्रोमियम। ठीक है, यहाँ पे निकल इज सेंटर मेटल एटम, यहाँ पे प्लेटिनम, यहाँ पे क्रोमियम, यहाँ पे प्लेटिनम, यहाँ पे कोबाल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ लिया जाता है, बताइए इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लिगेंड्स कैसे हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स कैसे। ठीक है, क्योंकि लिगेंड्स के बेस पे डिपेंड करता है कि लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, लिगेंड जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, ये भी तो है ना, केवल सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है या दो बना सकता है, इसके नंबर कितने, उसी बेस पे डिपेंड करता है साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा होता किसका है, सेंट्रल मेटल एटम का। ठीक है, डेंटिसिटी होती है लिगेंड्स की, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैनिपुलेट आगे बदल जाता है। ठीक है, तो साथ में लिगेंड्स पे भी डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा कोबाल्ट का, जी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन द टाइप ऑफ लिगेंड। ओके, और सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है,
ठीक है, ये सभी को कॉमनली पता होता है कि अगर न्यूट्रल है स्पीसीज तो एटम कह देंगे, अगर चार्ज है तो आयन, ठीक है, और जनरली सेंटर में एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए इसको एक प्रकार से हम कहते हैं लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण। तो होप सो आपको क्लियर है कि सेंट्रल एटम और आयन क्या होता है। तो अच्छे से अपने नोट्स बनाइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। इससे पहले दो वीडियो चैनल पे हैं जिनका जिनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाके विजिट कीजिए, अच्छे से देखिए, अच्छे से अपने एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अपने जो चैप्टर यूनिट्स हैं केमिस्ट्री के उनको प्रिपेयर कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई क्यूरी है आपकी कमेंट में पूछिए। ऑल द बेस्ट।